मऊदा तालुका में संपन्न गढ़ ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा के विधायक टेकचंद सावरकर समर्थित प्रत्याशी विजय होने एक बार फिर ग्रामीण अंचलों में विधायक टेकचंद सावरकर का कोई सानी नहीं, ऐसे हालात चुनाव नतीजे के बाद दिखाई पड़ने लगे हैं। विधायक टेकचंद सावरकर को जमीनी स्तर पर घेरने की कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। तहसील मऊदा कार्यालय के प्रांगण में संपन्न मतगणना में मऊदा तहसील की 31 ग्राम पंचायत सरपंच और सदस्यों के लिए दी। 6 नवंबर को संपन्न मतगणना में विधायक सावरकर समर्थित कामटी मऊदा विधानसभा क्षेत्र 15 भाजपा के और 2 शिंदेगढ़ और रामटेक विधानसभा क्षेत्र में 6 भाजपा और 1 शिंदेगढ़ सरपंच चुने जाने का दावा तालुका अध्यक्ष चांगोजी तिजारे, सदानंद नीमकर, राजू सोमनाथी, मुकेश अग्रवाल की हमारे स्थानिक संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह विधायक टेकचंद सावरकर के कार्यप्रणाली की जीत है। ग्रामीण अंचलों में टेकचंद सावरकर और माजी जिला परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर द्वारा किए गए और किए जा रहे विकास कार्यों से ग्रामीण जनता खुश है और चुनावी नतीजों से भी यह साफ हो चला है और यह एक परिवर्तन की लहर है। आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर दिखेगा और समूचे राज्य और देश में फिर से भारतीय जनता पक्ष उभर कर आगे आने का विश्वास इस वक्त व्यक्त किया। मऊदा से BCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।